नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। अक्टूबर जीके का ये पहला पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये पार्ट रहने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत के किस शहर में फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि हाल ही में भारत के किस शहर में फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कलकत्ता शहर में। अब इसमें से इस क्वेश्चन में से और क्या आ सकता है, सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि ये फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या। तो ये वो प्रणाली है जिसके माध्यम से जो भी विपदा आने वाली है, जैसे कि पूर्व बाढ़ आने की जो संभावना है या हम कह सकते हैं कि बाढ़ आने की जो विपदा है उसकी पूर्व चेतावनी मिल जाएगी इस प्रणाली के माध्यम से। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और ये भी निकल कर आ सकता है कि ये जो प्रणाली है इसको लॉन्च करने वाले कौन हैं। तो इनको लॉन्च करने वाले कौन हैं, कलकत्ता के मेयर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और कलकत्ता के मेयर इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आ जाता है। सबसे पहले कि ये एक तो मेयर है, कलकत्ता के मेयर है, दूसरा इन्होंने लॉन्च भी किया है। अब तीसरा क्या है कि कलकत्ता के जो ये मेयर है ये सुर्खियों में बहुत ही ज़्यादा है। सुर्खियों में क्यों है, इशारा शारदा चिट फंड घोटाले में ये शामिल रहे हैं, नारद सिस्टम कांड में भी इनका केस चल रहा है। तो मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है। दूसरा इस क्वेश्चन में से और क्या आ सकता है कि ये जो प्रणाली है, ये सिस्टम है, इस ये किसके माध्यम से ये प्रणाली तैयार की गई है। तो इस सिस्टम के डिजाइन व क्रियान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक अर्बन क्लाइमेट चेंज रेशियल्स ट्रस्ट फंड से $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है इस प्रणाली को बनाने के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, सानिया रिचर्ड्स रोस एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के इवेंट एम्बेसडर होगी, वे किस देश के हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, सानिया रिचर्ड्स रोस एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के इवेंट एम्बेसडर होगी, वे किस देश के हैं। तो हमारा आंसर रहेगा अमेरिका। अब जानना ये ज़रूरी है कि दिल्ली हाफ मैराथन है, जो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है, ये कब से आरंभ होने वाला है। ये 21 अक्टूबर से आरंभ होने वाला है। और ये जो सानिया रिचर्ड्स रोस है ये कौन है, तो सानिया रिचर्ड रोस एथलीट है एक, और 4 बार की ओलंपिक विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता है। और भी इनकी उपलब्धियों में बहुत कुछ आता है, जैसे कि 400 मीटर की दौड़ में ये सबसे तेज़ अमरीकी महिला धाविका है। और भी इनकी उपलब्धियों में बहुत कुछ है, जैसे कि 2006 में आईफा विश्व कप में 400 मीटर की दौड़ में को इन्होंने 48.70 सेकंड में पूरा किया था। और ये लगभग एक दशक तक 400 मीटर की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ धाविका रह चुकी है। और भी उपलब्धियों में इनके काफ़ी कुछ है, जैसे कि 2005, 2009, 2012 में ये पहली रैंकिंग पर थी। ओलंपिक उपलब्धियों के अलावा इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 7 बार पदक जीता है, और 7 बार जो पदक जीता है उनमें से 5 तो इनके स्वर्ण पदक है, मतलब 5 गोल्ड मेडल है। इस क्वेश्चन में से इतना ही। अब जो क्वेश्चन आता है ये भी आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, कि 2018 में फिजियोलॉजी अथवा उस सदी में नोबल पुरस्कार जंपेन्स एलिसन तथा तासुको होंजो को किस कैंसर थेरेपी की खोज के लिए दिया गया है। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, 2018 में फिजियोलॉजी अथवा उस सदी में नोबल पुरस्कार जंपेन्स एलिसन तथा तासुको होंजो को किस कैंसर थेरेपी की खोज के लिए दिया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा इम्यूनोथेरेपी के लिए। अब इस क्वेश्चन में से और क्या क्या आ सकता है कि ये जो वैज्ञानिक है ये कौन से देश के हैं, ये करके भी आ सकता है। जो इम्यूनोथेरेपी है ये किस बीमारी में दी जाती है, ये थेरेपी, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा सा। 2018 में फिजियोलॉजी अथवा औषधि में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिका के जेम्स पी एलिसन तथा जापान के डॉक्टर तासुको होंजो को प्रदान किया गया। मतलब क्या है कि पहला जो वैज्ञानिक था वो जेम्स पी एलिसन, वो अमेरिका का है, जो दूसरा है तासुको होंजो वो जापान का है। यह पुरस्कार उन्हें कैंसर थेरेपी के आविष्कार के लिए दिया गया। मतलब ये थेरेपी किस पर अप्लाई की जाती है, जो कैंसर के पेशेंट है उन पर की जाती है। यह दोनों वैज्ञानिक अलग अलग कार्य कर रहे थे। इन्होंने 1990 के दशक में यह स्पष्ट किया था कि किस प्रकार कुछ एक प्रोटीन इम्यून सिस्टम की टी सेल में ब्रेक की भांति कार्य करते हैं। इससे कैंसर से लड़ने में उन टी सेल की क्षमता कम हो जाती है। यदि इन प्रोटीन का दमन किया जाए तो यह टी सेल कैंसर से लड़ सकती है। कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए तथा उनके विरुद्ध लड़ने के लिए
उन्होंने इम्यूनोथेरेपी का उपयोग किया। इस उपचार में शरीर के इम्यून सिस्टम को का उपयोग किया जाता है। करोलिंसका इंस्टीट्यूट में नोबेल समिति ने इस उपचार को कैंसर थेरेपी का एक अन्य सिद्धांत घोषित कर दिया है। कौन से इंस्टीट्यूट में ने किया है इस थेरेपी को कैंसर थेरेपी का सिद्धांत, वो है करोलिंसका इंस्टीट्यूट में। तो इसमें से कई काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली बात तो यही आ जाती है कि साइंटिस्ट कहाँ के हैं, ये अमेरिका और जापान के हैं। इम्यूनोथेरेपी किस में यूज होती है, वो कैंसर थेरेपी में यूज होती है। और जो ये इम्यूनो जो थेरेपी इन्होंने जो खोजा है, ये जो थेरेपी है इनका कैंसर थेरेपी का नाम कौन सी इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो वो आ जाएगा करोलिंसका। अब जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कोविंद ने कर्नाटक गुड सेमी रिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल बिल 2016 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। राष्ट्रपति कोविंद ने कर्नाटक गुड सेमी रिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल बिल 2016 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो हमारा आंसर रहेगा नेक लोगों को संरक्षण देना। इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। हाल ही में किसे सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा एडम मोसेरी। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 52 नए जिले का निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 52 नए जिले का निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या होगा। जिसका नाम क्या होगा, उस जिले का क्या नाम होगा, उसका नाम होगा निवाड़ी। अब जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा 1 अक्टूबर को। और इस वर्ष की थीम क्या है, मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग ओल्डर वुमेन राइट्स चैम्पियंस, इस वर्ष की थीम है। तो अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।